हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली इसरो ने इंडिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम जिसका नाम है स्पार्क, इसको लॉन्च किया है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्पार्क वर्चुअली जो इसको लॉन्च किया गया है, इसमें क्या क्या सुविधा है, क्या क्या यहाँ पे इसकी फीचर्स है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पे देखिए, इसरो के बारे में भी आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो जो है एक बहुत ही एक बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। डिटेल में तो हम नहीं जान सकते हैं इसके बारे में, बहुत ही एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी इसरो के बारे में इंट्रोडक्शन, इसरो की जो न्यू स्पेस लिमिटेड जो है उसके बारे में डिस्कस किया, जो कॉमर्शियल आर्म है। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्पार्क। तो देखिए, यहाँ पे इसरो के काफी सारे मिशन है यहाँ पे, और एक इंटरेक्टिव इंटरफेस के द्वारा इसको जो दिखाया जाएगा यहाँ पे, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग स्पार्क के नाम से जानेंगे, एक स्पेस म्यूजियम है, और जिसको लॉन्च किया गया है इसरो के नए चेयरमैन जो है एस सोमनाथ के द्वारा। तो ये नाम भी याद रखेगा, कुछ ही महीने पहले इनकी जो है इसरो के चेयरमैन के हिसाब से नियुक्त किया गया है इनको। तो देखिए, ये आइडिया जो इसरो की है, आने वाले जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया। तो थोड़ा सा हम लोग स्पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक डिजिटल स्पेस म्यूजियम है, यानी कि आप कभी भी अगर म्यूजियम में गए होंगे तो डेफिनेटली आपको अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग पत्थर अपने को देखने को मिलता है, फिजिकली वहां पे रखे जाता है, यानी कि आप लोग चाहे तो उसको स्पर्श भी कर सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डिजिटल म्यूजियम होगा, यानी कि एक इंटरेक्टिव इंटरफेस होंगे, जहाँ पे यूजर्स जो है यहाँ पे उन चीजों को देख के उनके साथ जो साइट्स है उन साइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पे जो है उन चीजों को रखा नहीं जाएगा, उनकी जो एक डिजिटली एक यहाँ पे डिजिटल एक इमेज रखा जाएगा, लेकिन अलग अलग साइट्स होंगे। क्या क्या साइट्स होंगे वो तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उनके साथ यूजर्स जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, इमेजेस होंगे, वीडियोज होंगी, इसरो के अलग अलग लॉन्च व्हीकल जो है, सैटेलाइट्स हो गए, बहुत सैटेलाइट्स है, देन साइंटिफिक मिशंस, आने वाले मिशंस, इनके सब बारे में जाना जा सकता है यहाँ पे। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसके सेक्रेटरी जो है एस सोमनाथ, और अलग अलग जो इसरो के डायरेक्टर्स है, उन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है अप्रिशिएट भी किया है। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स ने यहाँ कहा है कि ऐसे ही नॉन सेंसिटिव डिजिटल कंटेंट और भी आने वाले हैं यहाँ पे, अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है, और भी ऐसे आ जाएंगे जो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो भी यूजर्स है जो भी देखने जाएंगे उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव या फिर नॉलेजेबल होगी। तो यहाँ पे लोग जो है एक बीटा वर्जन ऑफ इस एप्लीकेशन को जो है एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इसरो। तो थोड़ा सा इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो इसरो का मेन विजन क्या है कि स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि भारत की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गई, वेदर सैटेलाइट हो गई, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हो गए, सब जो इसरो यहाँ पे करते हैं फॉर स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के हिसाब से। तो इसरो का जो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसरो का एक मार्केटिंग आर्म है, जो यहाँ पे इसरो की प्रमोशन या फिर कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन यहाँ पे करेगी, स्पेस प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गए, अलग अलग देशों के साथ यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर करना है तो सब यहाँ पे जो है अंतरिक्ष करेगी। और इसरो के जो चेयरमैन अभी फिलहाल जो है एस सोमनाथ, इसको याद रखेगा, एस सोमनाथ। तो थोड़ा सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 2019 में। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, याद रखिएगा कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का जो है कॉमर्शियल आर्म है, यानी कि मान लीजिए कल को, अभी पिछले साल जो है ब्राजील की अमेजोनिया को भी इसरो ने लॉन्च किया था यहाँ पे। तो ऐसे ही जो अगर दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी इसरो लॉन्च करेगी तो उनसे डेफिनेटली पैसे भी लेने होंगे, तो फ्री में तो नहीं करेंगे दूसरे देशों के। तो यहाँ पे ये कॉमर्शियल आर्म है, तो
तो यहाँ पे मेनली क्या है कि मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज को यहाँ पे प्रमोट करना, और इसकी हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। तो देखिए, इसरो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में जानने के लिए एक वीडियो कम पड़ जाएगा, आपको डिटेल में पढ़ाई करनी होगी यहाँ पे। लेकिन देखिए, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में अगर स्पेस साइंस के बारे में बात करेंगे तो इसरो के काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको टाइम टू टाइम जानना ही होगा यहाँ पे। नॉट ओनली यहाँ पे अंतरिक्ष हो गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अलग अलग जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए, जो भी इसरो के प्रोजेक्ट्स है, आने वाले मिशंस है, सब कुछ यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे जो भी इसरो रिलेटेड न्यूज आते रहते हैं हम लोग उसको डिस्कस करते रहते हैं, ताकि एटलीस्ट आपको भारत में जो स्पेस साइंस में जो भी डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर आप जो है अप टू डेट रह सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग स्पार्क इंडिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम, जिसको इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑन द बेसिस ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।